हेलो एवरीवन, दिस इज पुरु जनुथरिया। आज अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑप्शन बाई किया जाता है। ठीक है, हम आपको एक प्रोसीजर सिखाएंगे, पूरा प्रोसीजर, ऑप्शन आपको कैसे बाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, हमने किया बैंक निफ्टी को क्लिक। उसके बाद देखो, बैंक निफ्टी इतने सारे शेयर्स का, बहुत सारे शेयर्स का जो है वो फ्यूचर ऑप्शन करवाती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनमें से किसी के भी साथ ऑप्शन कर सकते हो, किसी के भी ऑप्शन खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक पे गए, इसके ऑप्शन चेन पर गए आप। ठीक है, ऑप्शन चेन पर जाने के बाद इधर जो लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है, कैसे मार्क करूँ इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 29 पे क्लिक किया, तो ये जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना, ऊपर आ रहे 49, 42, 35, 29, फिर नीचे की साइड में आ रहे 23, 18, 14, 11, 8, 6, तो ये जो है वो कॉल ऑप्शन है। ऊपर लिख रहा है ना कॉल LTP। ठीक है, और राइट में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पुट ऑप्शन। अभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है? तो कॉल ऑप्शन आप जब बाय करते हो, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि आप अभी देखो, एक्सिस बैंक का -21.80 गया था फ्राइडे को। ठीक है, निफ्टी का 292 गया था, बैंक निफ्टी का 896, बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो डाउन गया था। फिर निफ्टी का 329, सेंसेक्स का 1017, भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है ये बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के केस में कि इतना सारा गया ये, है ना, जाता है पर बहुत रेयरली। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन खरीदोगे। जो ये ग्रीन ग्रीन में दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन में इसलिए हैं क्योंकि आप क्या पुट ऑप्शन खरीदोगे इनके। अगर आपको लग रहा है मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अब आपको कौन सा वाला पुट ऑप्शन खरीदना है। जैसे कि फिलहाल इसकी एक्सिस बैंक की कीमत चल रही है, ऊपर लिख रहा है ना 1158, है ना। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिख रही है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, 980, 100, 1020, 1040, 1050, तो ये ऑलरेडी टारगेट को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी टारगेट को पूरा कर चुके हैं। और ये जो नीचे हैं 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, ये क्या टारगेट को पूरा करेंगे। आगे आएगा ना, 1158 से आगे क्या आएगा, 1160 आएगा, 1170 आएगा, 1180 आएगा, तो ये क्या टारगेट को पूरा करेंगे आगे। ठीक है, और ये जो है वो ऑलरेडी टारगेट को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, ये बात हो रही कॉल ऑप्शन के रिगार्डिंग। अगर अपन वहीं पुट के, क्योंकि इसलिए तो देखो, नीचे जितने भी जो टारगेट को पूरा करने वाले हैं, जैसे 1220 देख लो, 1210 देख लो, ये सस्ते हैं नीचे। जितना आप नीचे जाते जाओगे उतने सस्ते होते जाएंगे, क्योंकि वो टारगेट को पूरा करेंगे। जो ऑलरेडी टारगेट को पूरा कर चुके हैं, 1150, 1140, 1130, 1110, जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतने महंगे होते जाएंगे। ठीक है, ये जीरो है जो ग्रीन हो रहे हैं, जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतने महंगे होते जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टारगेट को पूरा कर चुके हैं, वो आपको प्रॉफिट देंगे। अच्छा, अगर आप पुट के बात करो, पुट के केस में, तो जितना नीचे जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। अभी ये 1158 है, तो 1150 ऊपर आएगा, 1140 और ऊपर आएगा, 1130 और ऊपर आएगा, 1110 और ऊपर आएगा, तो ये टारगेट को पूरा करेंगे। नीचे जाएगा तो टारगेट पूरा होगा ना, 1158 से नीचे ही तो 1150 आएगा ना, उससे नीचे 1140 आएगा, तो ये टारगेट को पूरा करेंगे। अभी किया नहीं है इसलिए ये ऊपर जा रहे हैं, तो सस्ते होते जा रहे हैं। वही अपन बात करें, 1160 ऑलरेडी हो चुका है, 1160 इसका, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, ये क्या हो चुके हैं, इस वजह से इनके प्राइस महंगे हैं। ठीक है, ये टारगेट को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। जैसे ही इनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे आप देखो, 1200 का कॉल और पुट लोगों ने बहुत खरीद रखा है, कॉल देखे तो 58 लाख लोगों ने कॉल खरीद रखा है। वहीं अगर पुट की बात करें तो 6.91, मतलब 7 लाख लोगों ने इसका पुट खरीद रखा है। 1160 का जो पुट खरीद रखा है वो 31 लाख लोगों ने पुट खरीद रखा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम को दिखाता है कि कितने लोग किसमें इंटरेस्टेड है, मार्केट कहाँ जा सकता है। बाकी का आपको चार्ट वगैरह देखना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, किस तरीके से आपको इंडिकेटर लगाने हैं। तीन ऐसे इंडिकेटर जो बहुत ज़्यादा, तीन या चार इंडिकेटर हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ट्रेड में जितने भी लाल सिग्नल्स आते हैं ना, लाल सिग्नल्स के अंदर जैसे आपका पोर्टफोलियो पूरा लाल हुआ पड़ा है, उसको धीरे धीरे ग्रीन कर देंगे। ठीक है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है वो। तो आप वहाँ पर जाके वीडियो को देखिए, DMI इंडेक्स हो गया, RSI हो गया, MACD हो गया और EMA। ठीक है, तो इनको आप यूज़ कीजिए और बेटर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि देखो इसको बाई कैसे करना है। यहाँ तक अपन ने समझ लिया, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि अपन 1160 के अपन जाते हैं पुट पे, तो अब करेंगे 22.35 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 22.35 पे क्लिक किया,
अगर हम इसका चार्ट देखना चाहें तो हम इसका चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट देख सकते हैं। अपन इंडेक्स समझाया था, ठीक है, इंडेक्स का वीडियो देखोगे जाके तो ये क्या इक्वल चल रहा है अभी ये वाला, ठीक है, ग्रीन ऊपर जाना चाहिए, रेड नीचे आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और 25 पे आपको लाइन खींच लेनी है, रुको, 25 पे लाइन खींच लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 25 पे लाइन खींच लोगे, 25 से ऊपर जो ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली ये ट्रेंड दिखाती है अगर 25 से ऊपर है, तो ग्रीन वाली दिखाती है अप ट्रेंड को, रेड वाली दिखाती है डाउन ट्रेंड को, ब्लैक ओनली ट्रेंड को दिखाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपन ने चार्ट देख लिया, उसके बाद हमारे ये वॉल्यूम वगैरह इसमें आ जाएगा सारा, ठीक है, उसके बाद अपन बाई कर सकते हैं। अगर इसमें देख रखे, देखो टारगेट प्राइस इतना और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना होगा, बताता है एंजल बाय एनालिसिस वगैरह करके ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली यहाँ से बाई कर लेंगे, जितने अपन को लॉट लेना है, एक लॉट लेना है, एक लॉट इसका 625 का है, यानी 625 शेयर एक लॉट में आएंगे, तो एक लॉट ले सकते हैं। अगर आपको लेने हैं कि नहीं पांच लॉट लेने, तो पांच लॉट ले सकते हैं, कितने भी सारे लॉट लो, उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर कर दो, ठीक है, और आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के।